नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बदायूं जिले के दातागंज विधायक राजीव कुमार सिंह उर्फ बप्पू भैया ने विधानसभा 117 क्षेत्र में अपने 4.5 साल के कार्यकाल में आज अपने कैंप कार्यालय 117 विधानसभा दातागंज पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। आपको बता दें, बदायूं जिले की दातागंज विधानसभा विधायक राजीव कुमार सिंह ने जनता के लिए 4.5 साल में किए गए विकास कार्यों का विवरण रखा। विधायक राजीव कुमार सिंह ने कहा कि दो बड़े सोलर प्लांट जमालपुर रोजोला में स्थित किए गए हैं, रिजोला में स्थापित किए हैं, जिनकी लागत 800 करोड़ रुपए है। महारानी आवंती बाई महिला पीएसी बटालियन को ग्राम कोड़ा जयकरण में स्थापित किया जा रहा है, जिसकी लागत 500 करोड़ रुपए है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन सीएनजी एथेनॉल ग्राम सैजनी में स्थापित किया जा रहा है, जिस पर 500 करोड़ की लागत आएगी। 132 केवीए बिजली घर ग्राम सैजनी में स्थापित किया है, जिसमें 125 करोड़ रुपए की लागत आएगी। फायर स्टेशन ग्राम ढिलवारी दातागंज में स्थापित किया है, जिसमें 19 करोड़ रुपए की लागत आएगी। जिला कृषि विज्ञान केंद्र समरेर में स्थापना की है, जिसमें 25 करोड़ रुपए की लागत आई। राजकीय महाविद्यालय उसावा में स्थापित हुई, जिसमें 18 करोड़ रुपए की लागत आई है। रामगंगा पुल जो कि नगरीय है, खानू शीघ्र चालू होने वाला है, जिसमें 60 करोड़ रुपए की लागत आई है। वहीं 4 छोटे पुर सिरसा, मौसमपुर, बखतपुर, चापरकोरा में जो कि 20 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए विधानसभा 117 के विधायक निधि द्वारा 8 करोड़ की 5 हाई स्कूल, 6 अंत्योष्टि स्थल, 6 पंचायत घर, 5 सरकारी नलकूप, आईटीआई कॉलेज समरेर में जो कि 3 करोड़ की लागत से तैयार हुए हैं। विधानसभा क्षेत्र की सड़कों की मरम्मत एवं ग्रामों के बीच पड़ने वाले हिस्से में सीसी लॉक निर्माण कार्य 25 करोड़ रुपए की लागत से हुआ। दातागंज से तिलहर होते हुए पुआया 600 करोड़ रुपए, टू लेन हाईवे बदायूं से उसावा 100 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। वहीं आपको ये भी बता दें कि बदायूं की विधानसभा दातागंज में राजकीय कन्या इंटर कॉलेज डहरपुर कला जो कि 7 करोड़ रुपए, विधानसभा 117 क्षेत्र में 2 बड़ी गौशाला उसहत वीरमपुर आदि में स्थापित है, जिसमें 3 करोड़ रुपए की लागत आई। धार्मिक स्थल विकास कार्य नेता छोक्सा मंदिर एवं श्री ब्रह्मादेव महाराज स्थान पापड़ 50 लाख रुपए। इसके अलावा विधानसभा 117 में कई बारात घर, आंगनबाड़ी केंद्र, विश्वकर्मा योजना के पात्रों को किट, प्रधानमंत्री आवास, शौचालय, ग्रामीण आवास, महिला वृद्धा पेंशन, गरीबों को मुफ्त राशन, युवा रोजगार, आयुष्मान कार्ड, रोजगार मेला, विधायक सम्मान निधि आदि कार्य आपके हित में किए गए हैं, जिनके कुल मिलाकर 2,824 करोड़ रुपए की लागत काव्य उक्त कार्यों पर किया गया, जिससे विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्य संपन्न हुआ। मेरा प्रयास है कि निरंतर अधिक से अधिक कार्य हो। मैं दावे से कह सकता हूं कि आजादी के पास से आज तक किसी भी विधायक ने इतने विकास कार्य दातागंज विधानसभा 117 में नहीं करवाए हैं। आने वाले समय में जनता विकास कार्यों के आधार पर माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री योगी जी के कुशल कार्यशैली के एवं मेरे विकास कार्यों के आधार पर जनता द्वारा विधानसभा में भेजने का कार्य करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन। चार वर्ष हुए और मैं समझता हूँ इन 4.5 वर्ष में उत्तर प्रदेश का आमूलचूल विकास हुआ है। सरकार आज गांव गली तक पहुंचने का काम किया है और इसी के उपलक्ष में आप लोगों को आज मैंने यहां आमंत्रित किया है कि कम से कम आप लोग सब लोग हमारी उपलब्धियों को देखें और जनता के बीच भेजने का काम करें। जी सर, सबसे ज़्यादा जनता की उम्मीद जो नगरीय खनू पुल है उस पर टिकी हुई है, क्या कहना चाहेंगे, कब तक कम्प्लीट हो? नहीं, मैं समझता हूँ कि 80% उसका काम हो गया है और आगे आने वाले 2 महीने में पुल का लोकार्पण हम लोग करेंगे। हम लोगों ने कोरोना कार्यकाल के बावजूद वहाँ शिलान्यास करने का काम किया था और वो बड़ा एक प्रोजेक्ट था
और वहाँ की जनता की बहुत मांग थी, उसको पूरा करने का श्रेय भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय मुख्यमंत्री जी को जाता है। मैं अपने क्षेत्र की जनता की तरफ से उनको बधाई भी देता हूँ। इस क्षेत्र में जो 70 वर्ष में काम नहीं हुए, हमारी सरकार ने बीड़ा उठाया था उसको पूरा किया है। और मैं आपको अपनी विधानसभा के कुछ मुख्य कार्यों की झलक भी दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि आज़ाद भारत में 1952 में चुनाव होने के बाद ये दातागंज विधानसभा बहुत ही पिछड़ी विधानसभा के रूप में जानी जाती थी। लगभग सभी दलों के लोग यहाँ से विधायक चुन के गए हैं, लेकिन इस क्षेत्र का जो विकास था वो रुका हुआ था। अब मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन किसी भी जनप्रतिनिधि ने सामूहिक और सामाजिक और जनहित के काम को करने का प्रयास नहीं किया। जब मैं यहाँ से भारी बहुमत से जनता ने मुझे विधानसभा में भेजने का काम किया, तो मैंने मन में संकल्प लिया कि इस विधानसभा के लिए कुछ अलग से करने का प्रयास करूँगा। और मैंने शुरू के 2 वर्षों में प्रयास करके इस विधानसभा में काफ़ी कुछ नए विकास के कीर्तिमान करने का काम किया है। इस विधानसभा में सबसे पहले जनपद में एक जिला कृषि विज्ञान केंद्र होता है, लेकिन हमने एक दूसरा जिला कृषि विज्ञान केंद्र समरेर में स्वीकृत करा के यहाँ के किसानों को उनकी आय दोगुनी कैसे हो, इसमें एक मील का पत्थर साबित होगा कृषि विज्ञान केंद्र समरेर में स्थापित कराने का काम किया है, जो आधा बन चुका है। इसी के साथ ही इस क्षेत्र में कोई फायर स्टेशन नहीं था। सन 1952 के बाद यहाँ कहीं क्षेत्र में आग लगने पर, दुर्घटना होने पर बदायूं से फायर स्टेशन की गाड़ी आती थी, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा फायर स्टेशन स्वीकृत करा के उसकी बिल्डिंग हो गई है, और मैं समझता हूँ 1-2 महीने में उसका भी लोकार्पण होने का काम हमारी सरकार और हम लोग करेंगे। अगर अगला चुनाव जीते तो क्या प्राथमिकताएं होंगी? इस क्षेत्र का जो भी विकास रह गया है, इस क्षेत्र में एक मैंने बड़ी इंडस्ट्री हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के सहयोग से लगवाने का काम किया है, जो शायद उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे भारत में 3 लगी हैं। एक पंजाब में लगी है, एक गोरखपुर में लगी है, और एक दातागंज के हमारी विधानसभा के सैंजनी गाँव। इससे CNG और एथेनॉल बनेगा, और इसमें किसानों का जो वेस्ट होता है, जो आग लगाते हैं, पराली जिसे कहते हैं, उसको खरीद कर किसान से उससे CNG और एथेनॉल बनाने का काम हमारी ये फैक्ट्री करेगी। इसका पूरा नाम क्या है? CNG एथेनॉल। CNG भी बनेगी और एथेनॉल भी बनेगी। क्या प्रॉपर कस्बे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, क्या दातागंज कस्बे के आसपास कोई फैक्ट्री बिल्कुल लगी हुई? दातागंज में यहाँ पर जमीन उपलब्धता नहीं हुई, दातागंज तो कस्बा हो गया है जी। जहाँ पर जमीन होगी वहीं पर फैक्ट्री लगेगी, और एक बड़ा पुल नगरिया खनू पे था रामगंगा पे, वो भी बना है। इसके साथ साथ इस पूरी विधानसभा में कहीं भी कोई राजकीय महाविद्यालय नहीं। विधायक जी, विधानसभा में अगर रोजगार की बात की जाए तो कितना रोजगार दिया गया है अभी तक? नहीं, आप मेरी उपलब्धियाँ देख लीजिए, उनसे आपको पता लगेगा कि कितना रोजगार अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से जी। मैं अपनी बात कह लूँ पर आप समझ जाएंगे कि जो फैक्ट्री लगी है वो यहाँ के किसानों को रोजगार देने का काम करेगी। यहाँ पे कम से कम 300 से 500 ट्रैक्टर ट्रालियों के द्वारा वो प्रतिदिन ये पराली उठवाएंगे, तो 400 लोगों को रोजगार के अवसर यही मिलेंगे, 400 परिवार उससे लाभान्वित होंगे। वहाँ पर जब CNG और एथेनॉल की जब उत्पादन शुरू होगा, वहाँ पर होटल हैं, ढाबे हैं, वहाँ पर रहने वालों को खाना है, तो ये सब क्षेत्रीय ही लोगों को वहाँ पर रोजगार मिलेगा सारे तरीके। वहाँ पर एक बहुत बड़ी PSC की बटालियन, महिला PSC की बटालियन अवंतीबाई लोधी महिला PSC की बटालियन स्वीकृत की है, लगभग 500 से 600 करोड़ रुपए उसमें लगेगा। लगभग 2,500 महिलाएं हमारी माताएं बहनें अब प्रशिक्षित होंगी, फिर हमारे देश और प्रदेश की सुरक्षा में लगेंगी। वहीं पर 125 करोड़ का एक बड़ा 132 KVA का बिजली घर भी स्वीकृत हुआ है, आधा बन गया है। यहाँ तक विकास की बात है, एक राजकीय महाविद्यालय उसावा में स्थापित हुआ है। We'll be right back.